ये पांचवा रूट शुरू किया गया है और ये बसेस इन खड्डों में से ही गुजरती हुई जाती हैं। जबकि ये देखें, ये दुकानें भी बन रही थी लेकिन इन दुकानों को तोड़ दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबा डिस्कवर में आप तमाम दोस्तों का वेलकम करता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कोरंगी इंडस्ट्री एरिया की साइट पर और शान चोरंगी से सीधा मैं पीपल बस सर्विस तक जाऊँगा, जहाँ पर रूट नंबर 5 का स्टॉप है। वहाँ तक की तमाम तर सूरत हाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इस वक्त रोड की क्या सूरत हाल है और पीपल बस की क्या सूरत हाल है। नाले के साथ तो आप देख ही सकते हैं और मज़ीद जो तामीराती काम है उसकी क्या सूरत हाल है। तो तमाम तर चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड डेली बेस पर करता हूँ। मैं इस वक्त जो गुज़र रहा हूँ ये शान चौरंगी से लेकर नासिर जम तक का आपको ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा और इसके साथ पीएमटी कॉलोनी भी लगता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आकर आपको वीडियो बनाने का मकसद ये इसलिए है कि तमाम दोस्त जो के बार बार मुझसे बोलते थे कि आप इस जगह की वीडियो शूट करें और इस जगह पर तजवुजात बहुत कायम है, इस जगह की सड़कें किसी काम की नहीं है और इस जगह पर जबकि पीपल बस सर्विस भी स्टार्ट कर दी गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है सिंध गवर्नमेंट की, जो उन्होंने कहा था कि बसों के हवाले से जल्द जितनी भी रूट्स हैं उन पर तमाम तर बसेस चलाई जाएंगी। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि 5 रूट पर बसेस चल चुकी हैं। मैं थोड़ा सा आबादी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जितनी भी आबादी हमें नज़र आ रही है ज़्यादातर तो लोगों ने आगे बढ़ाकर गैर कानूनी तौर पर कायम करी हुई है, क्योंकि पीछे से हम देखते हुए आ रहे हैं कि ज़्यादातर मकानात जो असल शक्ल है मकान की वो पीछे, और लोगों ने आगे आगे करके मकानात यहाँ पर बनाए हुए हैं, होटल्स हैं ज़्यादातर, दुकानें हैं। अभी देखिए ये इस तरीके से इतना बड़ा स्पेस ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक सर्विस रोड भी गुज़रता हो जो 7 वाले रोड से गुज़रता है। इस वक्त जो मैं रूट दिखा रहा हूँ आपको, जो रोड पे यहाँ पर जो हाल है वही 7 वाले रोड पर भी हाल है। अब ये देखें कि सारी दुकानें ये आगे करके बनाई गई हैं और सर्विस रोड का पता नहीं। बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई ट्रैफिक पर सर्विस रोड बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रैफिक मुतासिर होने की असल वजह यही होती है जो सड़कों पर गैर कानूनी तौर पर जब तामीरात शुरू हो जाती है तो उसके बाद यही हाल होता है सड़कों का और वहाँ पर ट्रैफिक का रुझान भी मिलता है। यहाँ पर दीगर शॉप्स हैं, मैकेनिक की हैं, कार मैकेनिक की हैं, बाइक मैकेनिक की है, और जबकि ये देखें ये दुकानें भी बन रही थी लेकिन इन दुकानों को तोड़ दिया गया है। और सेंटर पर जो कि फुटपाथ है, फुटपाथ पर रेती बजरी वालों भी मौजूद है। नर्सरी तो समझ में आती है लेकिन फुटपाथ पर ये समझ में नहीं आता कि ये रेती बजरी क्यों बेचा जा रहा है। उल्टे हाथ पर आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट आ गया, उसके साथ मैकेनिक की दुकान आ गई और बैटरी रिपेयर करने वाले भी यहीं पर मिलेंगे, जबकि कचरा भी हमें यहीं पर मिलेगा। यहाँ से रोड का स्पेस आप नोट करें कि रोड का स्पेस जो कि छोटा हो चुका है और अब रोड जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगा है जिससे ट्रैफिक मुतासिर होती है।
ये देखें यहाँ पर रोड की भी बड़ी बुरी हालत है और खड्डे रोड पर हैं बड़े बड़े, और ये टुकड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस रोड पर तमाम तर मकैनिक की शॉप, बैटरी रिपेयर की शॉप, तमाम तर दुनियानी जितनी भी ट्रांसपोर्ट का है वो सारा इंतज़ाम यहाँ पर आपको मकैनिक की शॉप्स नज़र आ रही होंगी। जबकि ये देखें यहाँ पर इतना बड़ा ये भी खड्डा है, और यहीं से पीपल बस सर्विस भी गुज़रती है जो कि मज़ीद टूट फूट का भी शिकार बन सकती हैं। तो मैं आपको पीपल बस सर्विस भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाते हुए चलूँ और कोशिश करूँगा। ये देखें रोड के बीच पर बिल्कुल कचरा पड़ा हुआ है और रोड बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गया। राइट साइड पर अगर मैं टर्न करूं तो आपको पीपल बस सर्विस दिखेगी। यहां से तमाम वो शादी हाल जो अभी कुछ टाइम पहले मस्मार किया गया है। यह आपकी पीपल बस सर्विस, और ये यहाँ से ये पांचवा रूट शुरू किया गया है, और ये बसें इन खड्डों में से ही गुज़रती हुई जाती हैं। अब हम रोड पर गुज़रेंगे मेन रोड से, यहाँ से भी एक रूट जो कि रूट नंबर 2 को चलाया गया है, और यहाँ पर भी पीपल बस सर्विस चलती है जो कि 5 नंबर से गुज़रते हुए नॉर्थ कराची तक जाती है। अभी जो मैंने सर्विस दिखाई वो रूट नंबर 5 है, और वो 5 स्टार चौरंगी नाजमाबाद तक जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।